पढ़ना है, ठीक है, तो और फिर आप ऑफलाइन होगा तो फिर आना क्लास, स्टार्टिंग वहाँ देखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग वाला कैसे पता कि क्लास चल रही है ऑनलाइन? मेरे बगल में एक मेरे से सीनियर एक है, वही हमको दी। मेरे से सीनियर एक है वही। शिवानी, हाँ शिवानी। हाँ शिवानी चलो अच्छा अच्छा है, नए स्टूडेंट उसी जुड़े से हैं। पता था, उसी से पता था। और कोई स्टूडेंट है जो अभी इनरोल नहीं किया है? जो भी हो आपके संपर्क में, जो भी आपके बैचमेट हो साइकोलॉजी ऑनर्स के, उनको कहिए जुड़ने के लिए, ठीक है। और एक और सर पढ़ा रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, उनका भी यूट्यूब का लिंक वगैरह सब रहता है दिया हुआ, उसको भी आप देख करके खोल करके उसको भी सुनेंगे। कौन सा चैनल? वो ग्रुप में है, आज मैं आपको स्टूडेंट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो जो भी मैसेज है वो आपको मिलता रहेगा। हाँ शायद हम ही किए होंगे ऐड, उसमें ऐड है। हाँ उसमें देखिएगा डॉक्टर कन्हैया कुमार करके होंगे, उनका जो डिग्री वन का जो भी वीडियो होगा उसको आप ओपन करके देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो उनका नंबर लेकर कॉल करके लेंगे, ठीक है। मेरे टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास है, डिग्री फर्स्ट साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर फर्स्ट है, जनरल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी टॉपिक है आज का, क्यूज ऑफ डिस्टेंस और स्पेस परसेप्शन। कौन सा स्पेस के प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक होते हैं, उन संकेतों के दो प्रकार है जो इस प्रकार है, दो प्रकार अभी मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं, ठीक है, वहां से आप देखेंगे इसको। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, नहीं नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ अब? नहीं सर। अब दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ नहीं सर सर, दिख रहा है। नहीं सर। अब देखिए, अब देखिए। हाँ सर दिख रहा हाँ दिख रहा है, सर। हाँ पढ़ के बत हाँ दिखा। हाँ सर। जनरल साइकोलॉजी डिग्री हाँ फर्स्ट ऑनर्स, हाँ सर। और यहाँ पर यूज ऑफ डेप्थ डिस्टेंशन दिख रहा है, गहरे पर दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहे। हाँ सर दिख रहे। ओके ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। संकेत का कारक या आधार है जो दूरी, गहरा या स्पेस से प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक निर्धारक होते हैं। तो संकेत के तो निम्नलिखित है, पहला है एक नेत्रीय संकेत, यहाँ देखिए एक नेत्रीय संकेत, अंग्रेजी में मोनोक्यूलर क्यूज कहते हैं, वस्तु का आकार, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है। हाँ सर दिख पहला रहा है। है हाँ सर दिख रहा एक नेत्रीय संकेत, वस्तु की
आपकी दक्षिकरण में कुछ ऐसा संकेत सहायक की उपस्थिति एक आंख के उत्तेजित होने निर्भर करती है, इसलिए ऐसे संकेतों को एक नेत्रीय कहा जाता है। ऐसे संकेतों को व्यक्ति अपने वातावरण में सीखता है, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक संकेत भी कहते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार है, एक नेत्रीय संकेत का भी संकेत है, जिसमें पहला है वस्तु का आकार, यानी कि कोई भी वस्तु वातावरण में हम देखते हैं जिसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उस प्रत्यक्षीकरण में यह जो संकेत है वो काफी, एक नेत्रीय संकेत वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो एक नेत्र से कोई एक नेत्र एट ए टाइम जो है वो भले ही दोनों काम करता हो, लेकिन वो दोनों ब्रेन में कहा जाता है जगह पे जाता है, वहां से वो डिसाइड होता है। इसीलिए इसको तो कभी भी हम किसी भी चीज को देखते हैं पहले एक नेत्र का है, फिर दूसरा नेत्र भी वहां पे जाता है, इसीलिए इसको एक नेत्रीय संकेत कहा है। और ये इसलिए ऐसे संकेतों को एक नेत्रीय संकेत कहा जाता है। ऐसे संकेतों को व्यक्ति अपने वातावरण में सीखता है, वातावरण में सीखता है यानी कि जिस एनवायरमेंट में वो रहता है वो वहां पे ये सीख पाता है, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक संकेत कहते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार है, पहला है वस्तु का आकार, ऑब्जेक्ट ऑफ, वस्तु के आकार के आधार पर उसी दूरी का ज्ञान होता है। जब वस्तु नजदीक होती है पर उसकी प्रतिमा बड़ी बनती है, जब दीप में होता है उसको यदि हम देखते हैं तो आंखों में होता है अक्षी पटल, उस अक्षी पटल पर उसका जो तस्वीर है, प्रतिमा है, छवि है, वो बड़ा बनता है। इसीलिए वस्तु का आकार बड़ा, वस्तु दूर होती है लेकिन जब यह उसकी प्रतिमा छोटी बनाकर छोटा दिखाता है। जब कोई वस्तु तो पटल पर उसका जो आकार है, छवि है, वो छोटा दिखाई पड़ता है। स्पष्ट हुआ कि के आकार पर हमें होता है, वस्तु के आकार वस्तुओं के हस्तक्षेप, यहाँ देखेंगे तो वस्तु दिख रहा होगा। हाँ सर, वस्तुओं के हस्तक्षेप यानी कि अंग्रेजी में इंटर, हाँ सर, कर्विंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ, यह भी वस्तु के दूरी के प्रत्यक्षीकरण में सहायक ही पंक्ति होती है। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को लेती है, अतः जो वस्तु ढका हुआ होता है उसकी दूरी कम होती है, और जो वस्तु ढक जाती है उसकी दूरी अधिक होती है। फर्ज है कि एक के पीछे एक वस्तु रख दे, एक वस्तु सामने रख दे, तो दूसरा वस्तु जो क्या होगा, जो वस्तु ढक जाएगा उस पर अच्छी पटल पर, अच्छी आंखों के पटल पर उसकी दूरी बढ़ जाएगी, और जो वस्तु दिखाई देता है पटल पर उसकी जो छवि है वो नजदीक में दिखाई होगा, वो बड़ा दिखा, पीछे का जो वस्तु है वो, इसीलिए इसको कहा गया वस्तुओं के हस्तक्षेप। एक वस्तु दूसरे वस्तु का हस्तक्षेप करता है किसी भी कारण से, तब उसका भी बनता है, पीछे वाला वस्तु जो है वो दूर दिखाई देता है और सामने वाला नजदीक दिखाई देता है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हम आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान पीछे क्या है वो हमको नहीं दिखता है, और या फिर कहीं किसी वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु सामने जो वस्तु दिखाई देता है वही दिखाई देता है, वो नहीं दिखाई देता। जैसे ही उसके नजदीक पहुंचते हैं, जैसे ही नजदीक पहुंचेंगे तो वस्तु का जो छवि है
वो आपके अच्छी पटल पर बड़ा हो जाएगा और वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, तो आप देखेंगे कि अरे उसके पीछे तो बहुत सारा वस्तु, इसको वस्तुओं के हस्तक्षेप। तीसरा है वस्तु के रेखीय परिदृश्य, वस्तु के रेखीय परिदृश्य लाइनर परस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके द्वारा भी कि वस्तु की दूरी का ज्ञान प्राप्त होता है, जब समानांतर वस्तुएं समानांतर दिखाई पड़ती है तो उनकी दूरी अधिक होती है, और जब आपस में मिलती हुई दिखाई पड़ती है तो उनकी दूरी अधिक होती है। इस संबंध में रेल की पटरियों को देखा जा सकता है। रेल की ये परिदृश्य, यदि दो वस्तु समानांतर एक समान है आकार में, उसके बाद लंबाई में, और दोनों समानांतर पैरेलल रखा हुआ है, आमने सामने रखा हुआ है, तो वैसे स्थिति में उसका जो पूर्ण होगा तो वो अधिक दूरी का प्रत्यक्षीकरण होगा। जैसे रेल की पटरी आप देखेंगे तो रेल की पटरी की तरफ यदि आगे जितना नजर दौड़ा सकते हैं, आगे जितना देखेंगे उतना लगेगा कि उतना लंबा है और उतना दूर है, जबकि वो बहुत दूर नहीं होता है, लेकिन क्योंकि प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो दूरी का होता है, इसलिए वो वस्तु दूर दिखाई पड़ता है। समझ में आया? चौथा पॉइंट है वस्तु का स्पष्ट दृश्य, एरियल परस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब वस्तु नजदीक होती है तो वह स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जब वह दूर होती है तो स्पष्ट दिखाई नहीं होती है। अतः वस्तु की स्पष्टता या अस्पष्टता के आधार पर भी उसकी दूरी का ज्ञान होता है। जैसे हवाई जहाज को देख सकते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब वस्तु नजदीक होती है तो वह स्पष्ट दिखाई पड़ती है, और जब वह दूर होती है तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। अतः वस्तु की स्पष्टता या अस्पष्टता के आधार पर भी उसकी दूरी का ज्ञान होता है। यदि कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो उसका प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट होता है, नजदीक से हो जाता है, और जो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है तो उसका प्रत्यक्षीकरण ओझल हो जाता है। जैसे हवाई जहाज को आप देखो, वो काफी दूर होता है तो उसका प्रत्यक्षीकरण कभी दिखेगा, और एक बार देख लो ऊपर में देखते हो, देख करके जो नीचे में रहता है उसको कहता है देखो हवाई जहाज आ रहा है, फिर ऊपर आसमान की तरफ देखते हो तो खोजने में टाइम लग जाता है कि कहाँ चला गया, जबकि वो सामने रहता है, लेकिन दूरी की वजह से वह स्पष्ट नहीं दिखता है, जिसकी वजह से आपको फिर ध्यान को एकाग्र करना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है, तब जाकर के आपको वो वस्तु दिखाई पड़ती है। इसके बाद है पांचवा पॉइंट है वस्तु की छाया, वस्तु की छाया एकोमोडेशन प्रोसेस, सॉरी एकोमोडेशन कहते हैं, शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की छाया। वस्तु के दूरी के प्रत्यक्षीकरण में वस्तु की छाया भी सहायक होती है। नहीं दिख रहा है नहीं, एक मिनट, ये नहीं दिख रहा है, चल तो उसको छोड़िए, वो लास्ट है, अब देख कर आप मुझे देखिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया है जिसको वैसे नहीं दिखाई दे रहा है। आवाज सुनाई दे रही है ना? नेटवर्क का है थोड़ा सा प्रॉब्लम। पांचवा पॉइंट जो है वस्तु की छाया है, शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वस्तु के दूरी के प्रत्यक्षीकरण में वस्तु की छाया भी सहायक होती है। एक वस्तु की छाया
दूसरी वस्तु पर पड़ती है। यदि प्रकाश निरीक्षक की ओर से जा रहा हो और एक वस्तु की छाया दूसरी वस्तु पर पड़ रही हो तो पहली वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु की दूरी अधिक होगी। इस प्रकार यदि प्रकाश की दिशा का स्रोत की जानकारी हो तो वस्तु की छाया के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि कौन वस्तु नजदीक है और कौन वस्तु दूर है। निष्कर्ष स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी, गहराई या मोटाई के प्रत्यक्षीकरण में कई तरह के एक नेत्रीय संकेत या मनोवैज्ञानिक संकेत सहायक होते हैं। ठीक है, आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में चूंकि स्टूडेंट जुड़ ही नहीं रहा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, नेक्स्ट क्लास में आप लोग टाइम से जुड़ेंगे और फिर अगला टॉपिक जो है वो आपको समय से पूर्व ही हम दे दिया करेंगे। उस टॉपिक पर उस दिन का लेक्चर होगा। यदि इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट का समय रहता है केवल और केवल डिबेट के लिए, और उस डिबेट में जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे और यहाँ इस लिंक पर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल करके एक होगा ऑप्शन, उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जो हाँ वो टीचमेंट पे ही स्टडी मटेरियल करके होगा, वहां आप क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल होगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। जो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे वही आपको मिल जाएगा, उसको आप नोट्स के रूप में स्टार्टिंग से मिल जाएगा ना? स्टार्टिंग से नहीं मिलेगा क्योंकि स्टार्टिंग तो अभी बहुत सारा मटेरियल जो है अपलोड मैंने नहीं किया जो पढ़ा दिया हूँ, लेकिन अब से जो है वो सारा रहेगा। मान लीजिए किसी दिन क्लास आप मिस भी कर जाते हैं तो अपलोड रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। सर लेकिन फर्स्ट क्लास से हम कुछ पता नहीं है। और स्टडी मटेरियल आपको लेना है तो उसके लिए आप केवी साइंस के वेबसाइट पर सर्च करना होगा। ठीक है, वहां पर रहता है स्टडी मटेरियल मिलेगा केवी साइंस के वेबसाइट पे। उस स्टडी मटेरियल पर सब्जेक्ट आपको आएगा, सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद वो सारा साइकोलॉजी का जितना स्टडी मटेरियल होगा सब वहां पर मिल जाएगा। वो अपने हिसाब से उसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपका जो नोट है वो हाँ निश्चित रहेगा, उस पर होगा अपलोड केवी साइंस की वेबसाइट पे। ठीक है, ये तो बाद में ना लाइव क्लास के लिए आया यूनिवर्सिटी से ऑर्डर, तब हम लोग लाइव क्लास दे रहे थे, उससे पहले ई कंटेंट भेजा करते थे, नोट्स सब भेज दिया करते थे। तो वो सब जितना नोट्स भेजे हैं वो सब अपलोड हो गया है, वहां से आप देखेंगे पढ़ेंगे और फिर कोई दिक्कत हो तो आप डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आज का जो क्लास है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल से, और इसका वीडियो भी है यूट्यूब चैनल पर जाता है जो आज का लेक्चर है, तो यूट्यूब चैनल है वहां से भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक वगैरह सब जो है हम भेज दिए हैं ग्रुप में ही, और नहीं भेजे तो दोबारा भेज देंगे, वीडियो भी भेज देंगे और स्टडी मटेरियल भी रहेगा, बहुत सारा मटेरियल सब आप जैसे पढ़ना चाहेंगे वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, अब समय से जुड़ा कीजिएगा, टाइम बता दिए हैं उस हिसाब से। ओके ठीक है सर।